कि इस दरमियान बहुत स्टूडेंट लगातार मेहनत करके और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किए हैं, तो कट ऑफ को बढ़ाने में उसकी भी महती भूमिका होगी। इसलिए ऐसा भी नहीं मान करके चलना है कि एकदम कट ऑफ डाउन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर यू आर कैंडिडेट हैं 58, 60, 61 तक मार्क्स उनको आ रहा है, तो आप होप कर सकते हैं कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यूआर से 2 मार्क्स कम आएगा तो बुला लेगा, ईडब्ल्यूएस तो उससे 3 मार्क्स कम है तो बुला लेगा, लेकिन फाइनल होने के लिए 4 से 5 मार्क्स बढ़ करके ही आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन बातों को 100% मान करके ही आगे का अपना सारा रणनीति आपको फिक्स करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्या कमजोरी है, आपकी क्या कमजोरी रही है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी को ढूंढें, और असफलता ही सफलता की कुंजी है, ये सबको पता है। तो जो भी कारण आपका मार्क्स कम आने में रहा है, तो उस पर आप गौर करके फिर कैसे मार्क्स बढ़ाया जाए, उसके लिए नई रणनीति बना करके अभी से चलना, उस पर स्टार्ट करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन सब बातों पर आप गौर करते हैं तो बेहद फायदा पहुंचेगा। दूसरा, हमेशा जो एक बात हर वीडियो में हम अभी बोल रहे हैं कि चूंकि इस बार वेटिंग को समाप्त किया जा रहा है, 50% बच्चे वेटिंग के का 50% बच्चे 6 महीने से साल भर के अंदर 30-40% बच्चे आगे जाके ग्रुप डी का जॉब छोड़ते थे। तो चूंकि वेटिंग 50% पहले से रहता था, तो जो बच्चे छोड़ते थे तो वेटिंग वाले बच्चों को मौका मिलता था। 1,03,000 वैकेंसी शुरू में तो ग्रुप डी का भर देगी, लेकिन आगे चल करके परेशानी निश्चित रूप से होना तय है, क्योंकि 30,000 से 40,000 सीट जो बाद में चल करके नहीं भरा जाएगा और जो बच्चे छोड़ेंगे, तो प्रश्न उठता है कि आखिर इन बच्चों का जो हक समाप्त हो रहा है, जो इन पर जिनका अधिकार बनता था इस 30,000 से 40,000 सीट पर, उसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि ये निश्चित रूप से इतनी सीट अगर वैकेंट रहेगी तो अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए हमको मानते हैं कि रेलवे के अधिकारियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि बाद में जो बच्चे सीट खाली करेंगे, तो निश्चित रूप से नीचे के जो जिनको मार्क्स आया है, तो उन बच्चों को मौका इसका जरूर मिलना चाहिए। यही स्थिति एनटीपीसी में भी होना है। तो आगे चल करके जिनका सीजीएल वगैरह में रिजल्ट होता है, या बीपीएससी या बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में जिनका रिजल्ट हो जाएगा, वो भी बच्चे एनटीपीसी का छोड़ेंगे, तो वहाँ पर भी वेटिंग को समाप्त किया गया है, तो उनके लिए दोषी कौन? कम से कम उनके वेटिंग कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को लाभ मिलता है जिनका कुछ मार्क से छूट गया है। तो इस पर भी गौर करना चाहिए, और इस पर भी गंभीरतापूर्वक एक बार सोचने की जरूरत है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आगामी वैकेंसी है, तो ठीक है, आगामी वैकेंसी जब भी वैकेंसी आएगी तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो इसलिए अपने को तैयार रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इस बार अगर आप मिस करते हैं, अगर ऐसे दौर में आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो आगे चल करके भविष्य हमको लगता है कि और भी खराब हो सकता है। आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब पाने की जो आपकी लालसा है, और ज़्यादा छीन हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों पर गौर करके कोशिश करना है कि हम एक बार और बेहतर करने के लिए प्रयासरत हों। छोटा सर, बहुत सारे बच्चे का रेलवे में 35+ नंबर आ रहा है, तो कहीं हो सकता है परसेंटाइल का खेला होगा या परसेंटाइल का कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा, तो 35+ जिस बच्चे का आया है, तो उसका क्या उम्मीद लग रहा है, कि उसका कोई किसी भी तरह का उम्मीद है? सच्चाई तो यही है कि किसी भी कैटेगरी हो, अगर 45 से 50 नंबर SC ST केस में थोड़ा होप कर सकते हैं, लेकिन बाकी जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं, तो 50 से कम कैसे आप आशा कर सकते हैं? हमको तो उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। इस बार काफी मतलब मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछा, 2018 में इजी टू मॉडरेट था, और इस बार मॉडरेट टू टफ है, और उसके बाद 50-60% स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहा है, और इस बार और सेक्टर में भी गवर्नमेंट जॉब है, तो हो सकता है 35 नहीं 40+ वाले का कुछ उम्मीद है। आप कुछ बातें कटु सत्य है, और स्टूडेंट भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो बातें आप बोल रहे हैं वो कदापि संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आप देख रहे हैं कि 1,15,00,000 बच्चा फॉर्म भरा हुआ है, 64-65 लाख बच्चे अपियर हुए हैं, तो 64 किसी भी कंपटीशन में 30% मेन कंपटीटर होता है। हम मानते हैं कि 70% वैसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं है, फॉर्म निकला हुआ है भर दिए हैं, लेकिन 30% भी अगर जोड़ा जाए, 65% बच्चे जो उपस्थित हुए हैं उसमें से, तब भी 17-18 लाख मेन कंपटीटर बच्चे हैं, पॉइंट पॉइंट पर उसमें बच्चे रहेंगे।
इसलिए मेरे ख्याल से इतने कम मार्क्स में अभी के समय में संभव नहीं है, यही कटु सत्य। उसको अपना तैयारी करना चाहिए, बिल्कुल आगे के लिए प्रयास करना चाहिए, और असंभव कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा यही सब बच्चे मेहनत करके खुद को इम्प्रूव कर लेंगे तो आगामी वैकेंसी में अच्छी खासी इनकी संभावनाएं बन जाएगी। सर, वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट क्या कंफर्म रख सके, क्योंकि बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, अच्छे से सर के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन बच्चा क्या मान के चले, क्योंकि रेलवे के द्वारा अपडेट भी अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि इसमें मुद्दा गरमाया तो हुआ है, और आप जैसे टीचर काफ़ी इस पर थोड़ा बात भी कर रहे हैं, कितने सर तो इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं कि रेलवे के अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर क्या लगता है, क्या अपडेट रह जाएगा? एक्चुअली में होता क्या है कि टीचर हैं, इतने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, एक अलग तरह का लगाव भी हो जाता है, और जो सही है गलत है गलत है, तो चूंकि गुरु हैं तो आईना दिखाना हमेशा हमारा काम होता है, इसलिए जो वास्तविकताएं हैं वो तो हम स्टूडेंट को हमेशा बताएंगे, और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर कुछ गलत अगर हम बात बोलते हैं 100% उसके लिए हम दोषी हैं, लेकिन जो सही बात है तो उस पर तो विचार करने योग्य बातें हैं। क्यों नहीं गवर्नमेंट ही सोचती है, रेलवे ही सोचती है, अरे भाई ये भी आप ही के बच्चे हैं, इतना स्ट्रगल करके इतना मेहनत करके मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको जो उचित है उसके लिए बच्चों को वैसा सम्मान मिलना चाहिए। उचित है कि भाई 30% इतना 3 साल लगातार मेहनत किए हैं तो 30% सीट वैकेंट क्यों रहेगी? आप आश्वस्त बच्चों को कर दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सीटें खाली होगी 1 साल के अंदर में।